अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, में हूँ आपका मेज़बान गाजी मलिक। आज धाड़म में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था हकीमुल उम्मत पब्लिक स्कूल धाड़म की तरफ से, उसमें शिरकत के लिए गए थे। हमारे यहाँ स्कूल से भी बच्चे थे और भी बाकी स्कूलों से बच्चे थे, चाहे हम वो मदरलैंड पब्लिक स्कूल इंद का है वहाँ की बात करें, उसके बाद रोहानी पब्लिक स्कूल है, गगरसुल्ला का कैंठा का एक स्कूल है जिसका नाम मैं अभी बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने एक बच्ची का, आलिया ताहिर जिनका नाम है, ताहिर अहमद काचरा साहब की जो बेटी हैं, धाड़म से ताल्लुक़ रखती है और हकीमुल उम्मत पब्लिक स्कूल से हैं, जिन्होंने दो कंपटीशन वहां पर थे, एक था नात कंपटीशन और दूसरा था क्विज़ कंपटीशन, जिसमें वो इस्लामी तालीमात के बारे में जो क्वेश्चन वगैरह थे वो बच्चों से पूछे गए और एक ज़बरदस्त माहौल में, एक ज़बरदस्त अंदाज से जो है उसे कंडक्ट किया गया, जिसके बारे में मैं जो है तमाम हकीमुल उम्मत की जो मैनेजिंग बॉडी थी उसका जो है वो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपको जो है आलिया ताहिर जिन्होंने फर्स्ट जो प्राइज़ हासिल किया है इसमें नात कंपटीशन में, उन्होंने जो कलाम जो नात शरीफ आपके सामने वहाँ पर पेश किया था वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा आप उससे जो है गौर से समात फरमाएँ और उनका जो पढ़ने का अंदाज़ है, किस खूबसूरत और दिलकश आवाज़ में उन्होंने जो है हमें वहाँ पर उससे महजूज फरमाया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ से जो है अपने तमाम जो वहाँ पर बच्चे थे, चाहे टीचर हजरात थे, चूँकि मैं भी एक, मुझे एक जज वहाँ पर रखा गया और बच्चों की मार्किंग के लिए कौन कैसा करता है, मैंने अपने हिसाब से अपने तई जैसी मेरी सोच थी, अपने जो मुझे लगा कि बेहतर है उस हिसाब से हद दर्जा इंसाफ करने की कोशिश की। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अपनी जगह ये खौफ है, ये डर है कि न जाने मेरी वजह से, मेरे कलम की वजह से कोई किसी के साथ आधे नंबर की, एक नंबर की कोई ज़्यादती नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई होगी। इसलिए मैं तमाम बच्चों से जो है वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर मुझसे जाने में अनजाने में कोई गलती हुई होगी तो मुझे उस चीज़ पर जो है माफ़ फरमाएं, क्योंकि बहुत ऊंचा फरीज़ा है जो जज का, मुनसिफ का जो फरीज़ा है, ये एक ऊंचा फरीज़ा है और इसे मुझ जैसा ना चीज़ किस तरीके से इसके साथ इंसाफ कर सकता था, ये तो मुझे पहले ही से ही मालूम था कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो सकती है। बहरहाल मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन असरार के बाद जो है फिर मुझे वो चीज़ करनी पड़ी, तो अपने हिसाब से बहुत दर्जा कोशिश की। बाकी तमाम बच्चों से, तमाम उसातिज़ा से जो भी दूसरे स्कूलों से थे उनसे माफ़ी का तलबगार हूँ कि बच्चों से ज़रूर जो है सुबह कल असम्बली में जो है मेरे बारे में, इसके बारे में जो है वो माफ़ी की दरख्वास्त करें कि हो सकता है ना जाने कहीं मेरी वजह से किसी के साथ किसी किस्म की ज़्यादती तो नहीं हुई होगी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा आप जो है वो नातिक नाम पाक वो जो है समात फरमाएं, जिन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की, ज़बरदस्त आवाज़, समात फरमाएं।